अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका। मैं भी तो ठीक ठाक। मैं आप कैसी हैं? एक जर्नल आर्टिकल पहले डाला था बॉडी सेफ्टी रूल्स पे फॉर चिल्ड्रन। और टू बी ऑनेस्ट, जो जी आर्टिकल हमने, एक आर्टिकल मैंने ही कवर किया था वो, और उसके बाद सेफ्टी सिनेरियोस किस तरह आपको डिस्कस करने चाहिए बच्चों से। तो उस पर जो डिस्कशन हुई, तो उस पर मुझे आइडिया हुआ कि पेरेंट्स पाकिस्तान में तो इस इश्यू पे बच्चों से बात करते ही नहीं। वी आर सो शाय टू डिस्कस सच थिंग्स। जी तो उसको फिर हमने सोचा कि अब हम इसको एलैबोरेट करें बहुत ज्यादा। इसमें जब मैंने वीडियोस के सर्च किया, तो बार बार साहिल की बहुत आपकी इंटरेस्टिंग, उसमें इंटरेस्टिंग की इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी कि आई वाज सरप्राइज कि जी पाकिस्तान में कोई इस इशू कवर कर रहा है। फिर हमारे स्टैटिस्टिक्स की तरफ जब हम गए, तब भी बार बार साहिल का नाम आया बीच में। तो दैट्स व्हाई आई वाज सो मच इंटरेस्टेड कि अब थोड़ा सा आपको डिस्कशन से आइडिया हो जाता है। मेरे आसपास जो मदर्स हैं, आई एम अ मदर ऑफ 9 ईयर ओल्ड, तो इट्स सच अ ह्यूज इशू, लेकिन इस पे ना कोई बात करना चाहता है, ना कोई बच्चों से बात करना चाहता है इस बारे में। बिल्कुल तो बिल्कुल आज बेसिकली हम लोग समझे स्कूल गोइंग, एक तो चाइल्ड अब्यूज, मतलब जनरली लोग रिलेट करते हैं रूरल एरियाज तक ही है या छोटी फैमिली से रिलेटेड। तो आज हम जो डिस्कशन बेसिकली मैं करना आपसे ही चाह रही थी, वो पेरेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हर क्लास में कहीं ना कहीं चाइल्ड बिल्कुल अब्यूज, मॉलेस्टेशन किसी न किसी लेवल पे हो रही है। तो थोड़ा सा हम ये कि हम चाह रहे हैं कि लोग इस चीज की, यू नो, पीपल शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, और खासतौर पे आजकल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी स्टार्ट द इंटरव्यू, तो पहली चीज मैं बस ये चाहूंगी कि फर्स्ट यू शुड एक्सप्लेन द योर जर्नी विद साहिल। मतलब कैसे आपने सारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और किस तरह क्या क्या चेंजेस मतलब इसमें आपके अप्रोच में अभी तक आई हैं बेस्ड ऑन द इवेंट्स। बिल्कुल। आपको पता है साहिल वाज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन 1996, तो उस वक्त ये मतलब उससे पहले भी यंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स ने काम शुरू किया था साहिल का, जिसमें नुशे हुसैन भी थी, मेरी बेटी हैं छोटी। तो उनका ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन थी कि जी इस पे कोई, जो आप बात अब कर रही है ना, कि कोई बात नहीं करता और ये इसीलिए छुपा रहता है और इसीलिए ये होता रहता है। तो इन्होंने फिर ये साहिल साहिल को कायम किया। एंड यू कैन इमेजिन, और जो आप कहती है ना चेंज, सी चेंज, आज लोग कह रहे हो वो इतना होता है, होता तो पहले ही था मगर बात नहीं करते थे। अब आज लोग बात करना करने पे ऑलमोस्ट मजबूर हो गए हैं, हो इलावा गए इसके कि बिल्कुल। बहुत अवेयरनेस हो रही है। मगर अब तो इसीलिए क्योंकि अब मीडिया उठाता है ये बात। आपको पता है जब साहिल शुरू हुआ तो मीडिया बात नहीं करने को तैयार था कि आप ये सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं कर सकते। आज आप देखें मीडिया हर जगह पहुंच रहा है और कह रहा है कि ये हो रहा है, ठीक है ना। सो ये एक बहुत बड़ा सी चेंज जिसको कहते हैं ना हुआ है ओवर द इयर्स। 96 में तो आई कैन नॉट इमेजिन टीवी पे आता भी होगा इस बारे में कुछ भी। ज्यादा हो गए, हम कहते हैं नहीं, लोगों की हिम्मत हो गई है रिपोर्ट करने की और ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत अच्छी बात है। तो एक तो ये सी चेंज आ गया। दूसरा ये है कि जिस तरह जब किया तो हमने मेरी हिफाजत की किताब पढ़ानी शुरू की, क्योंकि हमने जब, बल्कि जब इन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले यही सवाल आया कि करें क्या अब हम लोग, हमने बात तो इस पे करनी तो क्या करें। और बेसिकली तीन चीजें पूछी थी कि जी ये होता है सेक्सुअल अब्यूज, और अगर होता है बच्चों को कुछ पता होना चाहिए कैसे अपने आप को बचाएं, और तीसरा अगर वो बच्चों को मालूम होना चाहिए तो कौन बताएगा। तो माओ ने कहा जी होता है, बच्चों को जरूर बताना चाहिए हाउ टू प्रोटेक्ट देम सेल्व, और हम नहीं बता सकते, हमारे पास तो जबान ही नहीं है इसके लिए। तो आप देखें वो जो शाइनेस है ना वो आज भी चल रही है, बिल्कुल मगर बिल्कुल, टीचर्स को बता दें, हाँ टीचर्स को बता दें वो बता दें। तो इस तरह हमारा स्कूल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था। अब कहाँ कि हम लोग ढूंढते थे कि कोई स्कूल हमें बुला ले और हम उनको बताएं, तो कहाँ आज हमें लोग खुद बुलाते हैं कि जी आए और हमें बताएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ठीक है ना। सो अवेयरनेस भी काफी आ गई है, यू कैन सी के रिपोर्टिंग भी बढ़ गई है, यू कैन सी के एक्सेप्टेंस हो गई है बहुत इस चीज की कि हाँ ये है। मगर
अभी जो मेन गैप्स हैं कि बच्चों को कॉन्फिडेंस जो देना है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर द विक्टिम्स, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि वो बात कर सकें, वो अपने आप को बचा सकें, माँ बाप के साथ उनके रिश्ते इतने मजबूत हों कि उनको कोई हाथ ना लगा सके, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते नहीं इसमें, इस डिस्कशन में। बिल्कुल, दे हैव टू बी। और अभी ये हम नहीं कह रहे कि आप स्टार्ट बच्चे को इस डिस्कशन से करेंगे, आप पहले स्टार्ट करें अपना रिश्ता कायम करने के लिए। हम नहीं रिश्ता कायम करते एज पेरेंट्स, वी जस्ट से यस नो, ये करोगे वो नहीं करोगे, यूं होगा यूं नहीं होगा, हमारी डिस्कशन नहीं होती। तो हम बड़ा पेरेंट्स को जब कहते हैं, बात करते हैं पेरेंट्स के साथ, हम कहते हैं तीन चार चीजें। एक तो अपने बच्चे की बात को अच्छी तरह सुने, हम सुनते नहीं है, हम आधा कान देते हैं उन्हें, हम अपने बाकी काम कर रहे होते हैं। मुझे एक बहुत खूबसूरत बात उस दिन सामने आई कि जी रसूलुल्लाह हमारे जब किसी से बात करते थे तो पूरा मुंह मोड़ के उनकी तरफ देख के करते थे, और वजह ये है कि ये चीज सही कॉन्टेक्ट है। जब आप मुंह किसी और तरफ करके बात कर रहे हैं ना, वो कॉन्टेक्ट नहीं है। तो ये एक अहम बात है वालिदैन को समझना कि जब बच्चे से बात करें उसको पूरा अटेंशन दें, बात करते वक्त और उसकी बात सुनते वक्त भी। सो ये पहला स्टेप है कम्युनिकेशन का। पेरेंटल स्ट्रेस का काफी ज्यादा पाकिस्तान में तो हर जगह ही प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स अपने स्ट्रेस में इतना ज्यादा रहते हैं, अब्बा कमाने में लगे हुए हैं, मदर को घर के इतने इश्यूज हैं, इश्यूज हैं, सोसाइटल और कल्चरल फैक्टर्स जो है हमारे चाइल्ड अब्यूज में, अगर मैं चाइल्ड मतलब मोलेस्टेशन की तरफ भी सिंपल आ जाऊँ, तो हमारे यहाँ मिक्स गैदरिंग्स का बहुत ट्रेंड है, कजन्स वगैरह एकदम स्टे कर रहे हैं इधर उधर, चच्चा मामू हर कोई बच्चे को पकड़ पकड़ के खींच लेता है, चाहे बच्चा पास आना चाह रहा हो ना आना चाह रहा हो। तो हमारे आपके ख्याल में मतलब ये कल्चरल और सोसाइटी के फैक्टर्स भी बहुत कॉमन है। ईद गैदरिंग्स पे भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स मतलब हम भी एग्जाम में समय अपनी बेटी को छोटे होते पुश करती थी कि जाके हाथ मिलाओ सलाम करो, अब आई डोंट डू दैट एनी मोर, किसी ने एक जमाने मुझे समझा दिया था कि जब बच्चा खुद मना करे। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये कल्चर फैक्टर भी आपको लगता है इसमें, अर्बन रूरल दोनों तरफ? नहीं, सारा कुछ ही कल्चर है ना, कि जब आप एक किस्म की जो सोशलाइजेशन है करते हैं तो दैट्स ऑल कल्चर ना, तो जाहिर है उसका असर है, जाहिर है सोसाइटी की फिर एक्सपेक्टेशंस उसके मुताबिक होते हैं। क्योंकि मैं बड़ी हूं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बच्चा मेरे पास आएगा, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बच्चा मुझे ना नहीं करेगा, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी उस बच्चे को वो मानेगा, क्योंकि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि कल्चरली ये बात बताई गई है कि बड़े हैं और जो वो कहते हैं वो सही है, वो सच कहते हैं, वो ही ठीक है। तो ये तो है ही कल्चरल और सोसाइटल प्रेशर। बच्चे को फिर आप जिस तरह अगर आप बॉडी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ सिखा भी रहे हैं, तो आप मतलब अगर शुरू से ही बच्चे को अगर अचानक गोद में आके बैठ जाओ, बच्चा मना कर रहा है ऐसे ही, मतलब doesn't mean कि वो uncomfortable किसी specific reason से है, वैसे ही है। तो हम लोग तो वही हमारी जो हम communication की बात कर रहे थे, तो वो तो हमने वहीं पे सारी खराब कर दी basically बच्चे के साथ, because he'll never trust के parents जो है वो मेरी बात सुनेंगे, वो डर के मारे फिर मानता जाएगा, तो he'll be in a submissive mode, वो आ जाते हैं बच्चे। और जब आप submissive कर दें बच्चे को, तो फिर आप बताएं कि abuser को उसको mild करना कितना आसान है, चाहे डरा के और चाहे मना के, क्योंकि उसको आदत हो गई है कि हाँ जी ठीक है मैंने माननी है बात। आपके पास अपने एक्सपीरियंस में इसमें मतलब मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास या अपर मिडिल की तरफ बात करूं, तो उस तरह के केसेस भी आपके पास आते रहते हैं या कोई नहीं, पेरेंट्स इतना उस मामले में बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जैसे होते हैं? लेकिन ज्यादातर खामोशी है, ज्यादातर खामोशी है उस तरफ, हालांकि हमें पता है कि जी वहां पे कोई बच्चा नहीं है जो बचा हुआ हो, कम से कम बैड टच से, चाहे डोमेस्टिक से, चाहे रिलेटिव से, चाहे किसी से भी, मगर वहां खामोशी होती है, बिकॉज वहां पे वो नहीं चाहते कि किसी को पता लगे कि ये बात हुई है।
हमें ये भी मालूम है कि कई फैमिलीज में डोमेस्टिक सर्वेंट कुछ कर रहा भी हो तो अपने आराम के लिए माँ बाप कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये भी हुआ है कि भाई ये नहीं है कोई बात नहीं है, ये हमारा बहुत पुराना मुलाजिम है वो ऐसी बात। ड्राइवर्स आज हमारे पास तो एनिमेशन भी बिल्कुल, ये पेरेंट्स का जो डिनायल होता है चाहे वो किसी रिलेटिव को कवर अप करने के लिए हो, अक्सर बच्चे भाई अब्यूजर्स होते हैं किसी भी लेवल पे, ड्राइवर्स होते हैं बहुत ज्यादा कॉमनली, फिर भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को अकेले भेज देते हैं स्कूल्स में। मेरे साथ तो बहुत बच्चे मेरी बेटी के स्कूल पे आते रहते हैं जैसे, तो ड्राइवर्स अकेले पिक करने आए होते हैं। बिल्कुल तो क्या डिनायल का मतलब आप थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों की तो काफी स्टडीज होंगी इसमें, तो क्या रीजन है? डिनायल है अपने लिए आसानी करना, आसान करना काम, वो भी बहुत एलिमेंट है बड़ा कि जी हमें तकलीफ ना हो, ये एक एलिमेंट है अनफॉर्चुनेटली वालदैन की, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अमीर अपनी ईज के लिए करते हैं आसानी के लिए करते हैं, गरीब क्योंकि उनके पास वो वैवदौल ही नहीं है, सहूलत ही कोई नहीं है तो वो कहते हैं जी चलो जाता है जाने दो, करता है करने दो। डिनाइल बिल्कुल है और इसको फेस करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, फेस करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि आप ना ही सिर्फ अपने बच्चों को डैमेज कर रहे हैं मगर आप उनको गॉड फॉरबिड फ्यूचर अब्यूजर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जब बच्चों को ऐसा होता है तो वो गुस्सा अपना इसी तरीके से भी निकालते हैं फिर, तो एक वो भी खतरा है और परमानेंट डैमेज तो हो ही जाता है बच्चे को अगर उसको अब्यूज, स्पेशली अब्यूज एक टाइम तो करता ही करता है और ओवर अ लॉन्ग टाइम तो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है बच्चा। हमारे पास बहुत केसेस आए हैं जहाँ पे चाइल्डहुड में इनकी लंबे अरसे के लिए अब्यूज होती रही है तो वो आज तक भी अपने ना रिश्ते ठीक कायम कर सकते हैं ना जिंदगी अच्छा गुजार सकते हैं, वो भी हैं जो कर लेते हैं मगर ज्यादातर वो आप पे हमेशा के लिए असर छोड़ जाता है। बहुत साइंस टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, बात सारी साइंस की ये है कि आप कितने कॉन्शियस हैं अपने बच्चे के बातों पे और उसके एक्सप्रेशंस पे, आप कितना अपने बच्चे को जानते हैं चाहे वो टीचर हो चाहे वो वालदैन हो। सो अगर आपका बच्चा फॉर इंस्टेंस छोटी सी बात है जो बच्चा आमतौर पे कह देगा कि मैंने इधर नहीं जाना, ये कह देते हैं बच्चे, अच्छा कभी डायरेक्ट भी नहीं कहते बस कहते हैं वहां जरूरी है हम जाएं, आज हम ना जाएं, हजार तरीकों से वो कहेंगे मगर दे आर सेइंग के आई डोंट वांट टू गो, दैट इज अ वेरी बिग साइन। और मैं नहीं कहती कि बच्चे वैसे भी कभी कह देते हैं बट यू मस्ट पे अटेंशन टू दैट साइन, आपने ये देखना है, आपने फिर उस अगर जाना ही है तो आपने अपने पास रखना है उसे ताकि कोई वो खतरा ना हो कि कोई ले जाए या वो जो भी जिससे वो अगर अवॉइड कर रहे हैं वो, और या अगर वैसे ही डर रहा है बच्चा तो आप रखें इस तरह ताकि उसका कॉन्फिडेंस बने अगर कोई बात भी ना हो, बट यू शुड पे अटेंशन, ये ना करें कि कहें कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ये कभी ना करें। वालदैन ये भी देखें अगर बच्चा अकेला रहना चाह रहा है, अगर वो खुदा ना खास्ता ये भी हो जाता है अगर अब्यूज हो रहा है कि कटिंग नहीं की है वो वापस बेड वेटिंग शुरू कर देगा, सो दैट कैन बी अ रीजन ऑल्सो। अच्छा अगर फॉर इंस्टेंस बच्चा कह के मेरे पेट में दर्द है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, अब ऑब्वियसली आप सबसे पहले मेडिकली उसको डिसोन करेंगे भाई कोई पेट खराब हुआ है कुछ खाया है कुछ क्या किया है, बट इफ देयर इज नो मेडिकल रीजन एंड ही सेइंग आई गॉट अ स्टमक एक, यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट चेक आउट की बात है, हम नहीं कह रहे कि 100% वो है बट चेक आउट जरूरी है कि क्या बात है। ये तो आप स्कूल में तो बहुत ही कॉमन होता है कि अगर बच्चे को कोई तंग कर रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसकी स्टडीज अफेक्ट होती है, ही इज नॉर्मली इफ इज अ रीजनेबली गुड स्टूडेंट, इवन मीडियोकर स्टूडेंट भी है ना उसका ग्रेड गिर जाएगा और
सो देयर्स वन कंसर्न, चाहे वो घर में हो रहा है चाहे स्कूल में हो रहा है, बट द टीचर कैन सी दैट. सेकेंड कंसर्न इज इफ द चाइल्ड हैज बिकम एक्सेसिवली क्वाइट, बोल रहा ही नहीं है या छुप रहा है या डर रहा है या बाहर नहीं जाना चाहता ब्रेक में या ब्रेक अंदर क्लास में नहीं आना चाह रहा, ये सब साइंस हैं कि कुछ हो रहा है. ये नहीं होता बच्चा आमतौर पर, ये नहीं होता ऐसे इसके साथ. और जैसे मैं कह रही हूं, हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपने इस चीज पे गौर जरूर करना है, देखना जरूर है कि कोई ऐसी बात नहीं है. इसमें पेरेंट्स को, अब जो बहुत सारे पेरेंट्स चले हम कंसिडर कर लेते हैं कि थोड़े से अवेयर हो जाते हैं आजकल जैसे न्यूज वगैरह में देख देख के, तो बच्चे से अगर डिस्कशन स्टार्ट भी करनी हो तो चाहे मतलब इसमें कौन सी एज आपके ख्याल में कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे बच्चे को मेंटली मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है ना कंसिडर करने वाले, कि बच्चा डरी ना जाए सारी कॉन्वर्सेशन से, इंटिमिडेटिंग ज्यादा ना हो जाए उसके लिए, तो कौन सी एज से आपके ख्याल में स्टार्ट करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चों को, बच्चों को हम डराते हैं, बच्चे नहीं डरते. आपको बच्चे छोटी उम्र का भी पूछ सकते हैं कि ये मेरा क्या हिस्सा है बदन का. अगर आप उसको शेम कर देना इस पे, नहीं नहीं इसको नहीं बात करते, इसको नहीं पूछते, बजाय इसके कहने के ये बेटा ये हिस्सा ये काम करता है, ये डरावा जब आप पहले दिन से डाल, जी बिल्कुल नाम से बताएं उसको, जो भी आप नाम बताएं आप उसका काम बताएं और उसकी प्रोटेक्शन बताएं साथ, कि ये आपका पता है, ये आपका अपना है, इसको कोई नहीं हाथ लगा सकता, ये किसी और का हक नहीं है आपको छूने का या करने का. दैट्स व्हाई योर बैड टच गुड टच कैन इजीली कम इन, ठीक है ना. तो बात ये है कि जस्ट हाउ वी अप्रोच दैट चाइल्ड, वो ही कैन बी वन व्हेन ही इज टचिंग हिमसेल्फ, he can be two when he asks you, he can be three when he goes to the bathroom and says something. Talk to him, bhai. Or don't try and pretend ke nahi hai. Ya don't pretend ke ji ko ignore kar do ke ji ye nahi baat. Jawab de usko. Sabse pehle to yahan se hum, jab hum nahi jawab dete hain ya avoid karte hain, bachcha badi jaldi samajh jata hai iski baat nahi karni. जब इसकी बात नहीं करनी तो वो क्यों बताएगा आपको कि फलाने मेरे साथ ये किया, वो तो कभी नहीं बताएगा ना फिर, क्योंकि उसके तो दिमाग में आ गया ये बात नहीं करनी. सो कोई एज नहीं होती है, व्हेन एवर अ चाइल्ड बिकम्स क्यूरियस इनफ टू आस्क यू, दैट इज द एज टू टॉक टू हिम एंड टू बी क्लियर एंड फैक्चुअल, दैट्स ऑल. और बच्चे बड़े आराम से ये बात सुन लेते हैं, उनको कोई असर नहीं होता, वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये बात खत्म. कि फिर वो सारे जिस तरह इसके साथ एज ग्रुप में मैं देखती हूँ तो पेरेंट्स अभी तक विलिंग नहीं होते, बल्कि स्कूल्स में आप जिस तरह कह रही हैं, तो अब बड़े स्कूल में नाम तो नहीं ऑब्वियसली लूंगी, लेकिन स्कूल्स में कभी इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुई है. पेरेंट्स के साथ हुई है एक दो मीटिंग मुझे याद है इतने सालों में, लेकिन बच्चों के साथ कोई वो नहीं करता, हालांकि मतलब वो तो आराम से बता सकते हैं. तो आपका मतलब पब्लिक स्कूल्स में ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है या प्राइवेट साइड पे? नहीं, हमने प्राइवेट ने तो हमारे से ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स लिए हुए हैं, बीकन हाउस ने तो पूरे अपना एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम एस्टेब्लिश किया, और बहुत से ये चेन स्कूल्स ने हमारी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं. वो क्या आगे करते हैं हम ये नहीं बता सकते, हमें पता नहीं है सच, मगर वो लिए तो हैं उन्होंने ट्रेनिंग्स हमारी, मेरी हिफाजत भी ली है, गवर्नमेंट स्कूल्स में लिया है. अब हमने ये भी देखा कि अगर वो कहीं बच्चों से ना शेयर करें तो फिर हमारी स्ट्रेटजी जरा हमने पिछले सालों में बदली. हमने कहा हम टीचर्स को तो पहले जरूर बताएंगे, या पेरेंट्स अगर हैं इन्वॉल्व उनको जरूर बताएंगे, मगर उसके बाद हम बच्चों को डायरेक्ट पपेट शो में दिखाते हैं ऑन अ सीडी, ताकि वही मैसेजेस उन तक पहुंच भी जाए. आपकी एनिमेटेड वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ना क्लियर, वेरी क्लियर मैसेज डिफरेंट वीडियोस में उन्होंने दिया हुआ था. हाँ यही है ना कि भाई बात ऐसे करेंगे कैसे करेंगे, भाई आपका सिंपल बात है, आप कहें कि देखें ये जो आपके बदन है वो आपका अपना है. सर देखिए हम अगर एज ए टीचर खुद मारे हो बच्चों को तो क्या बदन, क्या बॉडी प्रोटेक्शन सिखाएंगे आप, ठीक है ना. तो एक तो वहीं से स्टार्ट करें आप, nobody has a right to hit you. तो इस तरह फिर बात होगी ना. सिनेरियोस में कहती कि आपके ख्याल में ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप
गैदरिंग्स में, जैसे मतलब अंकल्स हैं या कोई घरों में ऐसा लोग आए होते हैं तो बच्चे कोई कमरे में बैठने खेल रहे हैं, मतलब बड़ा ये भी बड़ा कॉमन है, या कारी साहब हैं उनके साथ बड़े कॉमन वाक्य होते हैं, तो उसमें मतलब बच्चों को उस तरह की भी आपके ख्याल में एक ओपन डिस्कशन रखनी चाहिए कि मतलब किस तरह हुआ तो किस तरह एक्सक्यूज करके निकलना है वहां से और कैसे डरना नहीं है उस पे, तो मतलब बच्चों को थोड़ा सा आपके ख्याल में साइकोलॉजिकली मैं पूछना ही चाह रही हूँ कि साइकोलॉजिकली ये तो नहीं होता कि बच्चे फिर हर किस्म के रिश्तेदारों से डरना शुरू हो जाएंगे, वैसा कुछ हो जाएगा? नहीं, आप ऐसे थोड़ी बात करेंगे, आप किसी की बात करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे रिश्तेदार, आपकी बात होगी कि कोई भी आपको साथ ये नहीं कर सकता, इट डजंट मैटर हु इट इज, सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इट्स अ रिश्तेदार और अ पर्टिकुलर पर्सन, कि कोई भी आपके साथ ये ज्यादती नहीं कर सकता, आपको छूने की ज्यादती नहीं कर सकता, खत्म हो गई बात, इसमें कौन सा मुश्किल है कहना कि किसी ने भी आपको कहा आप आके मुझे बताएंगे, और वो नहीं, ये इजाजत नहीं है किसी को कि आपके साथ ये करें ऐसी बात, ठीक है ना, सो दैट इज नो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये नॉनसेंस बात है, क्या अब्यूज हो जाए तो उसका इफेक्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये कैसी बात हुई, सो देयर इज नो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एंड इफ चिल्ड्रन आर स्केयर्ड इट इज अप टू यू टू मेक देम कॉन्फिडेंट, तो स्केयर होता है अगर आप कहें हाँ अगर आपको किसी ने ये कर दिया या यूं नहीं होना या आपको पता है ये, दैट्स व्हेन यू आर स्केयरिंग द चाइल्ड, नॉट व्हेन यू आर टेलिंग हिम कि बेटा किसी ने आपको हाथ लगाया, बिल्कुल आपने मुझे बताना है, किसी का हक नहीं है, खत्म, ये तो कोई बात नहीं स्केयर होने की, आप स्केयर करते हैं बच्चों को, आप डराते हैं कि ये ना करें, मगर ये तरीका नहीं है ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ना, करते हैं या शेम करते हैं, बेसिकली दोनों एक ही बात, हाँ दोनों चीजों में से, हाँ या उनको ब्लेम करते हैं कि तुम गए थे, तुमने किया, तुमने पसंद किया, अब बच्चे बच्चे हैं, अगर कोई उनको, हाँ बच्चे बिल्कुल, आफ्टर ऑल व्हाट इज अ चाइल्ड, चाइल्ड इज द वन हु इज गोइंग टू गो, जिसकी क्यूरियोसिटी को आप यूज कर लें, कोई खिलौना दे दें, कोई चीज, ये तो चीजें बच्चे तो जाएंगे, so you have to tell them ke beta this must be done in front of me, this is not something you must never go with anybody, theek hai na, aapko koi hamari ye jaise aapne dekhe messages to yahi hai na ki aapko koi cheez de raha hai ya koi lift, ab aapko pata hai jab hum abuse ka bahut se cases aate hain kyun wo kehte hain aao chalo hum aapko sair kara lete hain, isme abuse ho jati hai, समझ गए ना आप, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट नोबडी शुड गो विदाउट नंबर वन पेरेंट्स नोइंग, विदाउट टेलिंग एंड कीपिंग सेफ्टी इन माइंड, हम खुद ही कह देते हैं जाओ इसको साइकिल की सैर करा लो, बाइक पे चक्कर लगवा दो, जाओ मोटर बाइक पे सैर करा दो, बिल्कुल चक्कर लगा दो, दैट्स रॉन्ग बिकॉज वी कांट अनलेस वी स्टैंड आउटसाइड एंड से मेरे सामने कर लो, वो हो सकता है, या यू आर सो कॉन्फिडेंट ऑफ द पर्सन हुम यू आर सेंडिंग देम विद कि यू आर नॉट वरीड कि कोई ऐसी बात होगी, तो रूरल साइड पे आपको लगता है कि क्योंकि वहाँ कम्युनिटी सिस्टम ज्यादा है तो वहाँ पे इग्नोरेंस ज्यादा है इस किस्म की, वो तो नहीं विलेजेस का पूरा पूरा वो, नहीं आई थिंक इग्नोरेंस, नहीं आई थिंक इग्नोरेंस हर जगह है जी, हर जगह है, इसीलिए अवेयरनेस रेजिंग पे हम इतना जोर देते हैं कि जी पता तो हो ना, पहले पता तो हो जाए इनको और अवेयरनेस इसकी हो जाए और ये सोचना शुरू कर दें कि जी हम किस रिस्क पे डाल रहे हैं, अब थोड़ा सा अब आप मतलब स्कूल गोइंग बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि आप पेरेंट्स के लिए मतलब क्या इसमें मैसेज देना चाहेंगी, पेरेंट्स भी टीचर्स की तो चलो खैर आप कह रहे हैं ट्रेनिंग करती हैं, लेकिन जनरली हम लोग पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टारगेट इसमें करना चाह रहे हैं कि उन बच्चों के लिए मतलब वैसे एक जनरल आप मतलब एंडिंग नोट पे क्या मैसेज देना चाहेंगी, मतलब बच्चों को किस तरह वो अपनी जिम्मेदारी कैसे पेरेंट्स को रियलाइज कराएं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह मियां ने डाली हुई है बच्चों के इन पे और इनकी सिक्योरिटी की, बस जी पेरेंट्स को ये कैसे रियलाइज कराएं कि जी पेरेंटिंग जो है वो कोई आसान काम नहीं है, इट्स अ फुल टाइम जॉब, और मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों की डिसिप्लिन नहीं इतनी जरूरी जितनी अपनी डिसिप्लिन है, आपने उठना भी है आपने बैठना भी है, आप बच्चे को किसी चीज से रोकेंगे तो आपने वहां पे मौजूद रहना है ताकि वो ना करे, क्योंकि अगर एक दफा ना और एक दफा हाँ हो गई तो वो तो चीज ही खत्म हो गई, सो बात ये है कि पेरेंटिंग इज डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स ऑल योर टाइम एंड ऑल योर फोकस, एंड द सेकेंड थिंग इज लर्न टू टॉक टू योर चिल्ड्रन, आप सीखो ये कि बच्चे के साथ प्ले विद देम, खेले उनके साथ ताकि यू नो खेल खेल में जो बच्चे बात करते हैं वो वैसे नहीं करते,
खेलें उनके साथ, बैठ के उनकी दिलचस्पियों में आप भी दिलचस्पी लें. बी लविंग, गिव योर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, बढ़ती है वो आपसे ही बात करता है, आप उसको पहचानते हो, आप समझते हो कि क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, एंड देन दैट्स हाउ यू मूव ऑन. सो दैट्स द बेसिक फॉर एनी रिलेशनशिप, का साथ रहना, उनके साथ रिश्ते बहुत मजबूत रखने, बहुत से प्यार के साथ उससे हर बात बात करनी, ये हाँ ना में नहीं जवाब देना कभी भी, उसके साथ बैठ के खेलना, क्योंकि खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ बताते हैं, उसकी दिलचस्पियों में अपनी दिलचस्पी भी रखना, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत हों, क्योंकि सिर्फ रिश्ते मजबूत होने के लिए आपको ये काम करने हैं और वो ही आपको रिजल्ट देंगे कि बच्चे आप पे एतमाद करेंगे, आप बच्चों को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे कि वो कहीं भी किसी चीज के बारे में आपको जरूर आके बता देंगे कि ये हुआ है आज मेरे साथ. और सुने जब वो आके बताते हैं आपको, लिसन टू योर चिल्ड्रन, ये बहुत जरूरी बातें वालदैन के लिए. सुनते नहीं है ना, कम्युनिकेशन किसी भी किस्म की करते हैं. फोन्स पे आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया ना, फोन्स पे पेरेंट्स ज्यादा लगे रहते हैं. तो यही है ना कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा और ये डिसिप्लिन देनी है. मुझे ये ना बताएं कि जी फोन आ गए, फोन आए, टेक्नोलॉजी चलती जाएगी, ये आप नहीं रोक सकते. आपने अपना डिसिप्लिन करना है, आपने कहना कि जी ये टाइम जो है ये हमारा खेल का टाइम है, ये फोन अब यहाँ रखो. हम सब रखते हैं, हम भी रखें, ये नहीं कि हम अपना फोन इस्तेमाल करें और बच्चों को कह रहे मत करो अभी. ये नहीं हो सकता. हैव योर टाइम टुगेदर, पुट योर फोन्स अवे. हम अभी भी हमें करना पड़ता है एज एडल्ट्स, वी से अच्छा नाउ वी आर फैमिली टुगेदर, लेट्स पुट आवर फोन्स डाउन. वरना हर एक कोई सुन रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम कहते हैं नहीं फोन सारे रख दें, अब हम सब इकट्ठे हैं, हम बातें करेंगे. तो अब हमें भी करना पड़ता है, तो बच्चों के साथ तो करें ना फिर आप. बच्चा ज्यादा पेरेंट्स से डिसिप्लिन होने की जरूरत है, मगर वही वाली बात है, अपने आप को आपको ज्यादा डिसिप्लिन करना पड़ता है अगर आप देना चाह रहे हैं. तो आप थोड़ा सा ये कि अभी आपका इतने अरसे में 96 से जैसे साहिल के साथ आप हैं, तो इसमें इतने सालों में आपने मतलब आपके हाल में कितना बढ़ गया है ये, या वैसे तो मतलब हमेशा से एग्जिस्ट करता था, बट फिर भी आपके एक्सपीरियंस में आपको भी क्या सिचुएशन नजर आती है पाकिस्तान में? देखिए मैं हमें ये इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि रिपोर्टिंग हो रही है, पीपल आर टेकिंग एक्शन, लीगल एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. हमारे क्या हो रहा है ये वी हैव नो वे ऑफ टेलिंग कि जी क्या कितना पहले था, कितना अभी भी छुपा है, ये हम नहीं बता सकते. मगर ये भी हमें कंसर्न हुआ था कि ये जो इतने मर्डर्स हो रहे हैं बच्चों के, ये क्या पहले भी हो रहे थे? तो हमने, क्योंकि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स जमा करते हैं, तो हमने देखा कि नहीं पिछले सालों में भी ये हो रहा था, मगर ये कि अब वो हाईलाइट ज्यादा छ रहे हैं बच्चों के पिछले सालों में भी. So, वो भी कोई नई ट्रेंड नहीं है, जो मैं भी समझ रही थी कि क्या ये नया ट्रेंड है कि बच्चों को मार रहे हैं. जब हमने से रिलेट कर दिया था ना, तब भी हाँ, तो डार्क वेब अपनी जगह हो है, मगर वो भी अब कोई हमें नहीं पता कि किस तरह काम कर रही है, कहाँ कर रही है. क्योंकि जो मर्डर्स मैं सोच रही थी कि शायद डार्क वेब का हिस्सा है, वो पहले भी होते रहे. सो दैट मीन्स इट्स नॉट जस्ट डार्क वेब. डार्क वेब हो अपनी जगह, मगर इट्स नॉट जस्ट डार्क वेब, पिछले 5-6 साल से हो रहा है, चाहे वो भी डार्क वेब था हमें नहीं पता, मगर ये है कि ये आज का की कैफियत नहीं है, ये पहले से ही हो रहा है. मतलब स्टैटिस्टिक्स में तो ज्यादातर इस तरह के चाइल्ड अब्यूज जो है वो घरों में ज्यादा जानने वाले हैं ना, फैमिलियर लोग ज्यादा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जानने वाले. देखें बच्चों का जिस जो जानते हैं उन्हीं की रसाई ज्यादा होती है ना. तो आपके मोहल्ले वाले अगर हैं, आपके रिश्तेदार अगर हैं, आपके जानने वाले अगर हैं, उस गांव में फिरने वाले अगर हैं जिनको आपने देखा हुआ हो, तो ये तो फिर सब जानने वाले ही हो जाते हैं ना. सो ज्यादातर नोन टू द फैमिली. मगर जहाँ पे वो अलग बताते हैं, यहाँ तो बताते हैं ना कि जानते थे, हम जानते थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि फलां बंदा है, उसका मतलब है जानते थे उन्हें. मगर उसके अलावा हम कहते हैं कि जो भी इर्द गिर्द गाँव में है, जो जिस तरह आपके अगर पुलिस है, आपकी अगर कोई दुकानदार है, सब जानते हैं आपको. सो जब वो अलग आइडेंटिफाई होते हैं रिपोर्ट्स में, क्योंकि हम रिपोर्टेड केसेस
करते हैं तो वो फिर हम अलग नोट करते हैं कि जी इतने पुलिस वाले थे या इतने ये इंसेस्ट मतलब घर वाले ब्लड रिश्तेदार थे या इतने जो थे वो बाप थे। तो जब अगर आइडेंटिफाई सेपरेट होते हैं हम उनको सेपरेट करते हैं, वरना आमतौर पे यही होता है कि जी हम जानते थे उन्हें या जानने वालों के नाम लिए उन्होंने। ये बात कम्युनिकेशन के थ्रू पेरेंट्स ही अगर कंट्रोल कर लें तो मतलब बहुत बहुत मेजर डिफरेंस से पड़ सकता है। फिर तो ये कि चांसेस बहुत ही आपने कम कर दिए इस चीज के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सो मच मैम टाइम देने के लिए आपका, और थैंक यू आपसे आज बात हुई। Very nice. Thank you for your efforts. Khuda hafiz.